नगर पंचायत पागबड़ा में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन भगवान श्री कृष्ण के देवी रुक्मणी संग विवाह प्रसंग के अवसर पर बराती बनकर पागबड़ा वासी झूम उठे। पागबड़ा में जब दूल्हा वेश में भगवान श्री कृष्ण का रथ गाजे बाजे के साथ बरातियों संग निकला तो नगरवासी मस्ती से नृत्य करने लगे। वहीं पागबड़ा के श्रीराम मंडप में कथा प्रसंग में छठे दिन भगवान श्री कृष्ण की मधुर एवं मनमोहक लीलाओं का वर्णन महाराज श्री द्वारा मनमोहक अंदाज में किया गया। माखन चोरी, चीरहरण, कंसवध, भगवान श्री कृष्ण का शिक्षा ग्रहण करना तथा भगवान के विवाहों का वर्णन मधुर स्वर लहरियों के बीच महाराज श्री जी द्वारा किया गया। शाम 4 बजे संत नामदेव बड़ा मंदिर परिसर से दूल्हा वेश में सजे भगवान श्री कृष्ण की आरती आकाश रोहेला, श्याम रोहेला, प्रमोद गुप्ता, मोहित कुमार शर्मा एडवोकेट, जितेंद्र सिंह एडवोकेट, शेवी शर्मा एडवोकेट, मयंक अग्रवाल, धर्मेंद्र रोहेला, जितेंद्र रोहेला, लाला सतपाल, महेंद्र गुप्ता, सीताराम रोहेला आदि ने उतारी। इसके बाद गाजे बाजे के साथ रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण जी की बारात ने कथा स्थल की ओर प्रस्थान किया। दूल्हा वेशधारी भगवान श्री कृष्ण का स्वागत अभिनंदन करने के लिए नगरवासी उनका अभिषेक एवं मंगल तिलक करते हुए पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत करते नजर आए। भगवान श्री कृष्ण जी की बारात संत नामदेव बड़ा मंदिर से सैनियों वाला मोहल्ला, मोहल्ला छिपी वाला, मौर्य नगर, होली वाला कुआं, झगड़ा जीत मंदिर, ब्राह्मण धर्मशाला, मोहल्ला छतरी वाला कुआं, पुराना डाकखाना, शिव सहाय मंदिर होते हुए नए डाकखाने से होकर कथा स्थल माया हाउस पर पहुंची, जहां पर वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य दूल्हा वेशधारी भगवान श्री कृष्ण जी की बारात सहित समाजसेवी रामबाबू भटनागर, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ठाकुर राकेश सिंह, नरेश सक्सेना, गप्पू गुप्ता, दिनेश रोहेला, रोहिताश सैनी, बुलाकी सैनी, ओम प्रकाश रोहेला, विनोद रोहेला आदि ने स्वागत किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का पाणी ग्रहण संस्कार वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा संपन्न हुआ। कथा प्रवचन के दौरान महाराज श्री ने कहा कि भगवान प्रेम के अधीन है। भगवान को पत्र भेजकर जब देवी रुक्मणी ने अपने साथ विवाह करने के लिए आमंत्रित किया तो प्रभु उनके पास पहुंच गए। भगवान भक्तों की पुकार पर बहुत ही तत्परता से आते हैं, बस पुकार सच्ची होनी चाहिए। आयोजन व्यवस्था में नगरवासियों ने घरातियों एवं बरातियों के रूप में सुंदर योगदान दिया। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।